इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए finovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, तो आज हम बात करेंगे यूटीआई एएमसी के आईपीओ के बारे में। यूटीआई एएमसी का आईपीओ 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ में कंपनी का ये इशू पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स यहाँ पर अपने शेयर्स बेच रहे हैं। फिलहाल यूटीआई एएमसी का 18.24% स्टेक एसबीआई के पास है, 18.24% एलआईसी के पास, 18.24% बैंक ऑफ बड़ौदा के पास और 18.24% पंजाब नेशनल बैंक के पास है। और कंपनी का सबसे ज्यादा स्टेक टीआरपी के पास है, जो है 26%। टीआरपी यूएस की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इस ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने 1,04,59,949 शेयर्स बेच रहे हैं और एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा भी उतने ही शेयर्स बेच रही है। पंजाब नेशनल बैंक 38,03,617 शेयर्स बेच रही है और टीआरपी 38,03,617 शेयर्स बेच रही है। यूटीआई में ज्यादातर स्टेक गवर्नमेंट कंपनीज का है, तो हम इसे गवर्नमेंट कंपनी भी कह सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 552 रुपीज से 554 रुपीज है। कंपनी के एक मार्केट लॉट में 27 शेयर्स रहेंगे, यानी एक लॉट की साइज 15,000 रुपए के करीब आएगी। 7 अक्टूबर को शेयर्स की अलॉटमेंट होगी और 12 अक्टूबर को यूटीआई के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज यूटीआई, की शुरुआत 1964 में हुई। यूटीआई इंडिया की सबसे पहली म्यूचुअल फंड कंपनी है। बाद में ये कंपनी दो हिस्सों में स्प्लिट हुई, सूटी और यूटीआई एएमसी। साल 1993 तक यूटीआई की ग्रोथ अच्छी रही, फिर लिबरलाइजेशन के बाद कई सारी प्राइवेट कंपनीज ने म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंटर किया और यहीं से मेन कंपटीशन शुरू हुई। यूटीआई का ज्यादातर यानी 72.7% रेवेन्यू म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट फीस से आता है और बाकी रेवेन्यू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और बाकी सोर्सेज से आता है। इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखा जाए तो इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से ग्रो हो रही है। पिछले 5 साल में ही इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 2.5 गुना बढ़ी है। इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट 27,49,389 करोड़ है, यानी इंडिया में 27,49,389 करोड़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर आता है एसबीआई के पास, जो 3,64,400 करोड़ मैनेज करते हैं। उसके बाद आता है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जो 3,56,200 करोड़ मैनेज करते हैं। उसके बाद है आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जो 3,26,300 करोड़ मैनेज करते हैं। देन आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड, जो 2,14,600 करोड़ मैनेज करते हैं। निपॉन म्यूचुअल फंड 1,80,000 करोड़ मैनेज करते हैं। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड 1,67,300 करोड़ मैनेज करते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड 1,34,300 करोड़ मैनेज करते हैं और यूटीआई 1,33,600 करोड़ मैनेज करते हैं। यानी क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो यूटीआई फिलहाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 8वें पायदान पर है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी तेजी से ग्रो हो रही है, वही यूटीआई का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है। पिछले 5 सालों में यूटीआई का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मार्केट शेयर 8.2% से 5.4% हुआ है, यानी अच्छा खासा गिर गया है। चाहे कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, वहाँ पर फंड मैनेजर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास अच्छे फंड मैनेजर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जाती है। टॉप 10 में जो म्यूचुअल फंड्स आते हैं, उनमें से कई सारे म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स हैं। वहीं अगर यूटीआई की बात की जाए तो यूटीआई के फंड मैनेजर्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। कई सारे स्कीम्स की परफॉर्मेंस काफी खराब रही है और इसी के चलते कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा है। वही कई सारी ऐसी कंपनीज है जिनका मार्केट शेयर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टॉप 8 कंपनीज की बात की जाए तो उनमें से सिर्फ 3 कंपनीज का मार्केट शेयर कम हुआ है, जिसमें यूटीआई, आदित्य बिरला सनलाइफ और निपॉन म्यूचुअल फंड शामिल हैं। वही बाकी म्यूचुअल फंड कंपनीज ग्रो हो रही है, जिसमें सबसे अच्छी ग्रोथ एक्सिस म्यूचुअल फंड की रही है। एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 1.8% मार्केट शेयर था, जो पिछले 5 साल में अच्छा खासा बढ़कर 5.5% हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बट यूटीआई उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रही है। इनफैक्ट उनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में अच्छी नहीं रही है और कंपनी की बिलो एवरेज परफॉर्मेंस कंपनी के फाइनेंशियल से आसानी से देखी जा सकती है। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 1,162 करोड़ था, जो 2019 में 1,080 करोड़ हुआ और 2020 में 890 करोड़ हुआ, यानी बढ़ने की बजाय उल्टा कम हुआ। सिमिलरली कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो रहा है। 2018 में कंपनी का प्रॉफिट 405 करोड़ था, जो 2019 में कम होकर 347 करोड़ हुआ और 2020 में वो और ज्यादा कम होकर 276 करोड़ हुआ। यहाँ पर आप कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन देखते हो तो वो अच्छी खासी है, बट ग्रोथ कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ देखने मिल रही है। इंडिया में फिलहाल 41 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और कंपटीशन दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है। ऐसे में अगर आपके पास अच्छे खासे फंड मैनेजर्स नहीं है
और आप इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे हो तो आपका मार्केट शेयर लगातार कम ही होता चला जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इंडस्ट्री भी इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बिजनेस में जितना भी फंड UTIMC मैनेज करती है उसका ज्यादातर पैसा EPFO से आता है, यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से आता है। EPFO अपना काफी सारा फंड मैनेज करने के लिए UTI को, जो कि एक इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कंपनी है, उसे देते हैं, साथ ही SBI म्यूचुअल फंड को देते हैं। सो फिलहाल अपने PMS बिजनेस के अंडर UTI जितना भी फंड मैनेज कर रही है उसका 84.9% पैसा EPFO से आया है, यानी EPFO पर UTI की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। अगर कल EPFO अपना पैसा मैनेज करने के लिए UTI के अलावा कोई और एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चुनती है तो UTI के फाइनेंशियल्स पर उसका अच्छा खासा असर हो सकता है। UTI अपना IPO 25.6 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ला रही है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो PE रेशियो है वो फिलहाल 27 चल रहा है। कंपनी के स्लगिश ग्रोथ के चलते कंपनी का भी वैल्यूएशन ज्यादा ही लग रहा है। कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस और कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्लगिश है, इसलिए हमने आज कंपनी के बहुत डिटेल में जाना जरूरी नहीं समझा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। 29 सितंबर से और दो IPOs खुल रहे हैं, उनमें से एक माजगांव डॉक शिपयार्ड्स है और दूसरा लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनके बारे में भी हम आपको जल्दी अपडेट करेंगे। जरूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी UTI के IPO के बारे में पता चले। आज की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।